फाइनली दोस्तों वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार WWE फैंस को काफी टाइम से था। रोमन रेंस ने आखिरकार ब्रॉक लेसनर के हाईएस्ट टाइटल रिंग्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रोमन रेंस के टाइटल रिंग्स रिकॉर्ड बन गया है सबसे हाईएस्ट। ब्रॉक लेसनर का हाईएस्ट टाइटल रिंग्स रिकॉर्ड था 503 दिन और अब रोमन रेंस का आज हो चुका है 504 दिन। तो रोमन रेंस अब बन गए हैं हाईएस्ट यूनिवर्सल टाइटल रिंग्स रिकॉर्ड होल्डर, यानी कि रोमन रेंस से ज्यादा यूनिवर्सल टाइटल को किसी ने अपने पास रखा ही नहीं है और ये दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रेंस के टाइटल रिंग्स कहां तक चलेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोमन रेंस ने अपना ये सफर कैसे शुरू किया था और ये सफर उनका कहां तक जाएगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रोमन रेंस के अमेजिंग 504 दिन के यूनिवर्सल टाइटल रिंग्स के बारे में। समरस्लैम में रोमन रेंस रिटायर आए और रोमन रेंस ने रिटर्न आते के साथ यूनिवर्सल चैंपियन द फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक कर दिया। रोमन रेंस ने ये कह दिया कि अब वो चैलेंज करेंगे फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को और पे बैक में हुआ ट्रिपल टेन मैच रोमन रेंस वर्सेस फिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। रोमन रेंस इस मैच में जीत गए और रोमन रेंस बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंस सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने बल्कि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ सब बन गए और उसके बाद से रोमन रेंस के यूनिवर्सल टाइटल रिंग्स की तो शुरुआत ही हुई। सब ओपोनेंट बारी बारी आते गए, बड़े बड़े लेजेंड भी आए लेकिन कोई भी रोमन रेंस को हरा नहीं पाया। रोमन रेंस का सामना हुआ जॉन सीना, एज, डैनियल ब्रायन, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार से। हर मैच में ऐसा लगता था कि शायद रोमन रेंस अपने टाइटल को हार जाएंगे लेकिन रोमन रेंस हर बार अपने टाइटल को बचा लेते थे और हर बार ये साबित कर देते थे कि वो है बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। एक टाइम ऐसा आया था जब हमें लगा कि रोमन रेंस अपने टाइटल को हार ही जाएंगे, जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच हो रहा था क्राउन ज्वेल में और हम सबको ये लग रहा था कि शायद पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा दे देंगे जिसका फायदा उठा के ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन क्राउन ज्वेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया और अब रोमन रेंस का टाइटल रिंग्स का रिकॉर्ड हो चुका है 504 दिन। ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल टाइटल रिंग्स का रिकॉर्ड नंबर 1 पे था, वो था 503 दिन और अब ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड को डिफीट करके रोमन रेंस ऊपर जा चुके हैं और रोमन रेंस का आज हो चुका है 504 दिन। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रेंस का ये यूनिवर्सल टाइटल रिंग्स का रिकॉर्ड कहां तक जाएगा। रॉयल रंबल में अब हो रहा है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो देखना ये कि क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों न्यूज तो यही है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच एक बार फिर से होगा, तो ये भी हो सकता है कि शायद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हरा दे और उसके बाद रोमन रेंस रॉयल रंबल में जाकर रॉयल रंबल को जीत जाए और ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से चैलेंज कर दे। लेकिन ये है रोमन रेंस और रोमन रेंस के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को बचा ले और उसके बाद रेसलमेनिया में हो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच, वो भी डबल टाइटल के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच कब होगा, रेसलमेनिया में कि रेसलमेनिया के बाद? और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा जब रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।